हमारे साथ हैं संजय रथ जी, श्री जगन्नाथ सेंटर से एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बारे में बातचीत करते हैं। सर कुछ बताइए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस जो हो रही है 9 से 17 दिसंबर वाली। जी, ये 9 तारीख से 17 दिसंबर तक ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। हम ये फिर से शुरुआत कर रहे हैं, पहले बंद हो गई थी और ये फिर से शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट हमने किया था 2006 में पूरी में। अब इस साल जो हम शुरू कर रहे हैं, ये श्री जगन्नाथ जो हौज खास में मंदिर है जी, वहाँ पर उद्घाटन होगी। जगन्नाथ जी का दिया वहाँ जलेगा। श्री बैजयंत पांडा जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो दिया जलाएंगे। और जब तक दिया नहीं जलता तब तक कॉन्फ्रेंस हम मानते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद दिया के बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। महाप्रसाद आप लोग आइए, खाइए वहाँ महाप्रसाद। सर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ से? ये आ नहीं पा रहे हैं कोविड के कारण। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी 400 लोगों का हो गया है ऑनलाइन के लिए, और अगर कोविड का नहीं होता तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 500 से 1000 लोग तक आते ये कॉन्फ्रेंस पर। अगले साल जरूर होगा। ऑल ओवर इंडिया, इस कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर इंडिया नहीं, ग्लोबली इंटरनेशनल लोग। मेन चीज़ है, देखो हमारे पूर्वज जो थे ना, बड़ी ज्ञानी थे वो। जैसे हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है, हाँ, शरीर गाड़ी है, आत्मा उस गाड़ी में विराजमान है, और मन जो है घोड़ा है। जहाँ ये मन भागता है ये शरीर को वहाँ खींचे ले जाता है। गाड़ी की जैसे आप सफाई करते हो रोज, इस शरीर को रोज स्नान करो, है ना। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हो हर तीन महीने में वैद्य जी के पास चले जाओ, वो आपका नब्ज देख करके ये बोल देंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपके शरीर में, क्या आने वाली है। हर साल में एक बार एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ ताकि वो आपका कुंडली समझ लें, और वो आपके कुंडली में देख करके ये अनुमान लगाए कि भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि भाई देखो मुझे और 20 साल बाद कैंसर हो सकता है, तो मैं अभी से ही बीड़ी सिगरेट छोड़ दूँ। बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से कुछ तो ज्ञान मिल जाता है कि भाई शरीर में कैसे कैसे बीमारियां आती हैं। ऐसे नहीं कि मृत्यु को आप टाल सकते हो, मगर पिट के क्यों मरना है, लंबा जियो, यह है हमारा उद्देश्य। इसी कारण हम ये शुरू कर रहे हैं।